को अपराध मुक्त करने के मकसद से जयपुर कमिश्नरेट की टीम लगातार बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है। इसी के तहत डीसीपी नॉर्थ राजीव पचार के निर्देशन में जालूपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हार्डकोर हिस्ट्री शीटर को अरेस्ट किया। गिरफ्तार बदमाश का नाम रईस है और आरोपी ने करीब एक महीने पहले एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए रुपए छीनकर फरार हो गया था। मुखबिर के जरिए पुलिस को जालूपुरा के एक मकान पर आरोपी के आने की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान आरोपी ने पुलिस के चंगुल से निकलने के लिए पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की। आरोपी के खिलाफ लूट, मारपीट, हत्या के प्रयास समेत करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। राजधानी जयपुर शहर के अंदर पुलिस की जो टीम है लगातार बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है और इसी के चलते यहाँ पर डीसीपी नॉर्थ राजीव पचार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो शख्स है जो पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है, इस शख्स का नाम है रईस, जो कि जालूपुरा थाने इलाके का हार्डकोर हिस्ट्री शीटर है। पुलिस को इस आरोपी की काफ़ी समय से तलाश थी। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश भी मारी, मगर पुलिस जो आरोपी है, जो रईस है, ये पुलिस को गच्चा देकर के फरार हो जाता था। मगर इसके बाद यहाँ पर जालूपुरा थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली मुखबिर के जरिए और उसके बाद पुलिस ने दबिश देते हुए इस आरोपी को दबोच लिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस आरोपी को दबोचा है। आरोपी के खिलाफ जालूपुरा थाना इलाके के अंदर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लूट, हत्या के अपराध, चोरी, चैन स्नैचिंग के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस की जो टीम है इस आरोपी से पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद और भी वारदातों का खुलासा होगा। मगर इतना जरूर है कि करीब 25 दिन पहले आरोपी रईस ने एक युवक से रुपए छीनने की कोशिश की थी और उसके बाद उसके सर पर यहां पर हमला करके फरार हो गया था, जिसकी पुलिस को काफ़ी समय से तलाश थी। ऐसे में पुलिस को यहां पर मुखबिर के जरिए सूचना मिली और उसको यहां पर दबोच लिया है। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर।